नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट नाइन न्यूज़ में। सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, उत्तर प्रदेश ही नहीं, राजस्थान भी है जहां पर लगातार उल्टा फेर देखने को मिल रहा है। यहां पर सियासत इतनी ज़्यादा गरमाई हुई है, यानी कि अगर पूरे देश की बात की जाए तो पूरे देश का हाल इस वक्त काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। चुनावी माहौल है और यहां पर हर कोई जीतने की लाइन में लगा हुआ है, लेकिन राजस्थान की तो बात ही अलग है, क्योंकि राजस्थान में तो जो पार्टी है वही आपस में हमेशा भिड़ती नज़र आती है। जी हाँ, बात यहाँ हो रही है अशोक गहलोत और सचिन पायलट की। बताते चले कि राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कांग्रेस नेता सचिन पायलट पर हमले के बाद गहलोत खेमा पायलट पर हमलावर हो गया। अब गहलोत के खास शहरी विकास मंत्री शांति धारीवाल कहते हैं कि हमने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और सचिन पायलट के मिले होने को देखा है। धारीवाल ने कहा कि अशोक गहलोत ने कुछ भी गलत नहीं कहा, वो ठीक कह रहे हैं, दोनों सरकार गिराने में लगे हुए हैं। उधर कांग्रेस दफ्तर में अग्निवीर योजना के खिलाफ हुई बैठक में यहाँ पर गहलोत के पायलट पर आरोपों के बारे में पूछा गया, लेकिन दीपेंद्र हुड्डा ने इस पर बोलने से मना कर दिया। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि कांग्रेस के सभी नेता एक हैं और मिलकर 2023 में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। राहुल गांधी के सचिन पायलट के धैर्य रखने की तारीफ के बाद गहलोत का पायलट पर यह सीधा हमला से राजस्थान की राजनीति गर्मा गई है। सचिन पायलट टोके के दौरे पर आ रहे हैं, यानी कि आज, ऐसे में उम्मीद है कि वे अपने ऊपर लग रहे आरोपों का जवाब दे सकते हैं। उधर पायलट ने अपने समर्थकों से गहलोत गुट के किसी भी तरह के उकसावे में नहीं आने के लिए कहा है। बता दें कि यहाँ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूर्व डिप्टी CM सचिन पायलट पर सुलह के बाद सबसे बड़ा हमला बोला है। सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ में CM अशोक गहलोत ने कहा कि सचिन पायलट कांग्रेस सरकार गिराने में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ साजिशों में शामिल थे। गहलोत कहते हैं कि केंद्रीय मंत्री शेखावत को टेलीफोन टेपिंग मामले में अपना वॉइस सैंपल देना चाहिए। कोर्ट ने भी केंद्रीय मंत्री को नोटिस दिया है, वह दिल्ली में मान भी चुके हैं और फ़ोन पर बातचीत में उनका वॉइस था। शेखावत कहते हैं कि सचिन पायलट चूक गए, इसका मतलब सरकार गिराने में दोनों लोग लगे हुए थे। बता दें कि बीते दिनों राहुल गांधी ने सचिन पायलट के धैर्य रखने की तारीफ की थी। दरअसल ईडी द्वारा पूछताछ के बाद राहुल गांधी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बातचीत की थी, उस समय सचिन पायलट भी मौजूद थे। राहुल गांधी ने बताया कि ईडी अधिकारियों ने उनसे पूछा था कि आप थकते नहीं हैं, तो राहुल ने कहा कि कांग्रेस के हर नेता में धैर्य है, यहाँ सचिन पायलट जी बैठे हैं। जब राहुल ने सचिन का नाम लिया तो वहाँ मौजूद उनके समर्थकों ने खूब नारेबाजी की। राहुल गांधी के सचिन पायलट के धैर्य रखने की तारीफ के बाद गहलोत का पायलट पर सीधे हमले से राजस्थान की राजनीति गर्मा गई है। तो क्या लगता है कि राहुल गांधी की बातों से कि राहुल गांधी ऐसा सोच सकते हैं कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाए? तो दूसरी बात यहां पर आ जाती है कि क्या अब इतना ज़्यादा परेशान होकर सचिन पायलट इस्तीफा देते हुए नज़र आएंगे? अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज़।